नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सैटर्न इन 12 हाउसेस, और हम ईवेल आई से भी कनेक्ट करते हैं सैटर्न को। मैं आपको बता दूं कि जब हम नज़र की बात करते हैं कि किसी को नज़र लग जाती है बहुत जल्दी, देखिए नज़र को ना हम सैटर्न से जोड़ते हैं, इसलिए आपने देखा होगा लोग शनिवार को अधिकतर नज़र उतारते हैं, क्योंकि उससे जो इफेक्ट ऑफ द रेमेडीज, अपन ये कह सकते हैं रेमेडीज़ का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही आउटकम उसका अच्छा होता है। जब भी हम शनिवार को नज़र उतारते हैं, नज़र उतारने के अलग अलग यू नो मेथड्स हैं, पर उसके बारे में तो ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। बट ईवेल आई को हम सैटर्न से कनेक्ट करते हैं, हमारे कर्म, हम किस तरीके का कर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति कर्म ही नहीं कर पाता, मेहनत उतनी नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ कमज़ोर सैटर्न के कारण। आप जैसे देखिए किसी का शनि पहले घर में, तो अपन ऐसे व्यक्ति को क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं? यहाँ पर शनि अच्छा फील नहीं करता है क्योंकि शनि अपन नीच का हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये पोजीशन थोड़ी बहुत लीडरशिप बना सकती है, व्यक्ति के अंदर लीडरशिप स्किल्स ला सकती है पॉजिटिव सैटर्न हो तो। अब वो डिपेंड करता है कौन से साइन में, बट अगर मेष राशि का सैटर्न है या फिर आपका वृश्चिक का सैटर्न हो जाए या फिर आपका मीन राशि का सैटर्न हो जाए, स्पेशली मेष राशि का, ठीक है, तो यहाँ पर नीच का हो जाता है वैसे सैटर्न, तो व्यक्ति उतना मेहनत नहीं कर पाता, उतना वो लेजी हो जाता है कई बार चीज़ों में, वो व्यक्ति टालता है चीज़ों को। पर ऐसे व्यक्ति के साथ एक चीज़ ये होती है, ऐसे व्यक्ति के काम पर बहुत जल्दी नज़र लगती है, देखना आप फर्स्ट हाउस वाले सैटर्न के, ठीक है। अब किसी का सैटर्न सेकेंड हाउस में होगा तो व्यक्ति अपना ना कई बार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं या फिर फाइनेंस से जुड़ा इंडस्ट्री में काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में होते हैं, क्योंकि सैटर्न हमारा कर्म है तो वो जिस भाव में होता है उधर से हम कर्म काम भी कर सकते हैं कई बार उस भाव से जुड़ा, ठीक है। सेकेंड हाउस में सैटर्न होता है कई बार फैमिली के तरफ प्रॉब्लम दिखाता है, व्यक्ति का जो चाइल्ड हुड रहा होगा वो प्रॉब्लमेटिक में कई बार रहता है, और सेकेंड हाउस में सैटर्न ना स्पीच प्रॉब्लम देते हैं कई बार, और ऐसे व्यक्ति की ना खाने पे बहुत लोग नज़र लगाते हैं कि तू तो बहुत अच्छा अच्छा खाता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली पे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, ठीक है, और कई बार ऐसे व्यक्ति का ना नज़र ऐसा होता है कि उसके फेस पे भी नज़र लगाते रहते हैं लोग। अगर बहुत सारी चीज़ें देखी थे दोस्तों, डिपेंड करता है कौन से साइन में। सेकेंड हाउस पे सैटर्न व्यक्ति के धन पे भी नज़र लगती है बहुत बार, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ये तो इतना कर्म नहीं कर रहा है, इतना वेल्दी कैसे है। वैसे टॉरस का सैटर्न बहुत पैसा देता है, मैं आपको बताऊं व्यक्ति को, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं बहुत अच्छी, बहुत सारे देखिए प्रेडिक्शंस तो है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। किसी का शनि थर्ड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को ना कई बार टाइपिंग इशूज़ जैसे होते हैं, मतलब अच्छे डिले, बहुत लेट लेट मैसेज टाइप करते हैं वो, सैटर्न थर्ड हाउस है, सैटर्न जेमिनी, सैटर्न थर्ड हाउस में होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को सिबलिंग्स की तरफ से भी कई बार दुख देखने को मिलता है, छोटे भाई बहनों की तरफ से, पर यहाँ पर ख़राब हो तो। और सैटर्न थर्ड हाउस व्यक्ति मेहनती बहुत होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और जितनी मेहनत करेगा उतना डेफिनेटली रिजल्ट भी उसको मिलता है। और जैसे सैटर्न फोर्थ हाउस में होगा तो आपको घर से, आप जब तक घर में रहेंगे आपको दुख ही दुख मिलेगा, जब आप घर से निकल जाएंगे बाहर चले जाएंगे अपने सिटी से आउट ऑफ, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस तय है, यानी निश्चित है, कन्फर्म है। सैटर्न फोर्थ हाउस वाले व्यक्ति की माता को बहुत नज़र लगती है, व्यक्ति के ना घर को बहुत ज़्यादा नज़र लगाते हैं लोग, इतना अच्छा घर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को ना, वैसे स्पेशली ऐसे व्यक्ति की ईवेल आई मतलब मदर को प्रॉब्लम देता है, हेल्थ इशूज़ देता है। किसी के सैटर्न फिफ्थ हाउस में तो डिले ऑफ स्टडी करवाता है, कई बार पढ़ाई रुक जाना, पढ़ाई डिले हो जाना, बच्चों को नज़र लगना, या फिफ्थ हाउस में सैटर्न हो तो पढ़ाई के उससे नज़र लगती रहती है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है, सैटर्न फिफ्थ हाउस में है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सैटर्न सिक्स्थ हाउस में है किसी का, तो व्यक्ति जॉब करेगा वहाँ उसको नज़र लग सकती है। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न है तो आपको रोग ऋण दे सकता है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न अच्छा नहीं होता छठे घर में, थोड़ा घुटनों की प्रॉब्लम दे सकता है, अर्थराइटिस जिसको हो जाता है कई बार, बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं। और सिक्स्थ हाउस में जब भी सैटर्न होगा तो हड्डियों के रिलेटेड इशूज़ आते हैं व्यक्ति को। सैटर्न सेवन्थ हाउस में रिलेशनशिप में नज़र लगती है, ईवल आई जिसे हम कहते हैं, सेवन्थ हाउस में सैटर्न है तो शादी लेट करवाता है, सेपरेशन करवा देता है अगर ऐसी वृश्चिक राशि का हो, मेष राशि का, बहुत सारी चीज़ें हैं। सैटर्न एट्थ हाउस में है तो व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान रिसर्च बना देगा, मतलब रिसर्च माइंडेड हो जाएगा व्यक्ति। अब जो लोग तांत्रिक विद्या करते हैं वो सैटर्न एट्थ हाउस से केतु एट्थ हाउस आपको मिलेंगे। सैटर्न नाइन्थ हाउस में तो व्यक्ति ना थोड़ा फादर को नज़र लगती, जिन लोगों के फादर को जल्दी नज़र लग जाए, या व्यक्ति के ना लक को बहुत बहुत अच्छा भाग है, मतलब कोई ना कोई लग व्यक्ति नज़र लगा देता है, ठीक है। नाइन्थ हाउस में सैटर्न होता है ना तो फादर को कहीं ना कहीं दुख देता है कई बार, फादर के लिए अच्छा नहीं होता, फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सेटन थर्ड हाउस में है तो आपको कर्म बहुत करवाता है, बहुत मेहनत करवाता है, 36 के बाद प्रोग्रेस देता है। सेवन्थ एलेवेंथ हाउस में सेटन होगा तो व्यक्ति ना, यहाँ पर सेटन बहुत अच्छा होता है एक्यूरेस में, व्यक्ति ना लाइफ में बहुत ज़्यादा गेंस उसको मिलते जाते हैं, धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस होती है, बट उसको कहीं ना कहीं जीवन में कभी परेशानी नहीं आने देता शनि ग्यारहवें घर का, क्योंकि कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फील करता है। दूसरा ये है कि मित्रों की तरफ से दुख जरूर देता है,
दोस्त यारों से धोखा या फिर उधर से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बड़े भाई की तरफ से, बट वैसे अच्छा है सेटन ट्वेल्थ हाउस में। तो ये वैसे विदेश यात्रा के हिसाब से भी मतलब ये आपके सारे कामों को कहीं ना बांध देता है कई बार, क्योंकि लिबरेशन का साइन है ट्वेल्थ हाउस, ठीक है, यानी मुक्ति का। वहाँ पर सैटर्न चले जाता है तो आपको ऐसा आपका काम मतलब मन करेगा कर्म करने का कि कुछ है नहीं जीवन में। कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिन्हें यार कि क्या करोगे कर्म करेंगे, कुछ नहीं रखा जीवन में, सब कुछ मोह माया है। सैटर्न पाइसिस वाले दिख जाएंगे कई बार, जो लोग कर्म करना तो चाहते हैं पर वो इन चीज़ों के कारण उस चीज़ को छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा कर्म करना सैटर्न ट्वेल्थ हाउस वाले जो विदेश से जुड़ के काम करते हैं, विदेश से जुड़ के जॉब करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कई बार सैटर्न ट्वेल्थ हाउस में आपको ना उतना मेहनत नहीं कर पाता कई बार व्यक्ति, उतना कर्म जो करता है उसका रिटर्न ऑफ द कह रहे हैं कह सकते हैं कि रिटर्न ऑफ द कर्मा कई बार उतना लौट के नहीं आता। पर हाँ यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है पॉजिटिव सैटर्न की कि व्यक्ति जो कर्म करा जा रहा है अगर वो पॉजिटिव कर्म आए तो उसका रिटर्न बैक अच्छा आएगा, पर अगर वो नेगेटिव कर्म कर रहा है सॉरी, तो वो आपको रिटर्न बैक जो मिलेगा वो अच्छा नहीं मिलेगा, वो आपको नेगेटिवली हर्ट करेगा, बैकफायर कर सकता है। क्योंकि ट्वेल्थ हाउस हमारी ट्वेल्थ राशि सॉरी हमारी इस चीज़ की भी मानी जाती है कि जो हम दे रहे हैं वो हमारे पास लौट के भी आता है, ये मुक्ति की राशि है, मुक्त करती है चीज़ों से। और आपको जो नज़र लगेगी ना, अगर आपने किसी को नज़र आपने किसी के लिए गंदा बोला किसी को नज़र लगाई तो आप ही के लिए अच्छे नहीं होगा, किसी ने आपको लगाई तो वो उसके लिए खुद नेगेटिवली हर्ट उसको बैकफायर कर सकती है। तो यहाँ पर सैटर्न ठीक है उस हिसाब से, बाकी हेल्थ परस्पेक्टिव से अच्छा नहीं होता, हॉस्पिटल में खर्चे करवाता है, डिले कराता है काम में, काम बनने नहीं देता, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो सकते हैं यहाँ पर। अभी पाइसिस में आने वाला है तो सैटर्न, तो आप देखना, मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज होंगी ना उधर बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होंगे और कुछ ना कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के उस पर टैक्सेस के गवर्नमेंट कुछ बड़े डिसीजंस लेगी, बहुत सारे प्रेडिक्शन है, मैं आने वाले टाइम में बताता रहूँगा, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे डिटेल। और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।